हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल वेल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं माहिरा होम्स के बारे में, जो सेक्टर 63A के अंदर है। माय होम माहिरा होम, ये प्रोजेक्ट बना रहा है माहिरा होम्स फ्यूचर ऑफ अर्बन लाइफस्टाइल। ये एक इसका है बर्ड्स आई व्यू, आप देख सकते हैं इसकी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। चार टावर बहुत ऊंचे हैं और एक टावर थोड़ा सा छोटा है। ये अगेन इसका जो एक्सटर्नल फसाड है उसके बारे में छोटा सा यहां से आपको आइडिया मिलता है। India's first pivotal luxury project in budget and well-planned residential complex, along with infrastructure, road, covered parking, internal garden, water supply and security. दोस्तों, दोबारा पढ़िए। India's first pivotal luxury project in budget. लग्जरी प्रोजेक्ट जो कि बजट में है, वेल प्लान रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, प्रॉपर तरीके से ये प्लान करके बनाया गया है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, अलोंग विद इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, कवर्ड पार्किंग। दोस्तों, आपने सब देखा होगा, कवर्ड पार्किंग नहीं देखी होगी बजट होम्स के अंदर, अफोर्डेबल होम्स के अंदर। इंटरनल गार्डन, वाटर सप्लाई एंड सिक्योरिटी, ये टोटल प्रोजेक्ट है 5 एकड़ का और ये है 24 मीटर वाइड रोड और 60 मीटर वाइड रोड के ऊपर। इसमें टोटल 636 अपार्टमेंट्स हैं, लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं और 4 टावर इसमें है हाई राइज आउट ऑफ 5 टावर्स। अब आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट को, ये 1, 2, 3 और ये चार हमारे आ गए हाई राइज टावर और ये आ गया हमारा लो राइज टावर। अगर मैं हाई राइज का मतलब बोलूं तो ये है स्टिल्ट प्लस 28 फ्लोर्स और जो लो राइज है ये मेरे ख्याल में स्टिल्ट प्लस 14 फ्लोर्स है। आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल, क्लब हाउस या फिर कम्युनिटी सेंटर, ग्रीन एरिया, ये है एमपी थिएटर और यहां पर जो है ये रैंप जा रहा है पार्किंग के लिए, यानी कि अंडरग्राउंड पार्किंग है इसके अंदर। ये इसका है नाइट व्यू। अब हम बात करते हैं साइट लोकेशन के बारे में, तो ये IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मात्र 20 मिनट की डिस्टेंस पर है, मेदांता हॉस्पिटल से 10 मिनट, मेट्रो स्टेशन 5 मिनट। एक्चुअली मेट्रो स्टेशन जो है सेक्टर 55-56 का इतना पास है कि अगर आप पैदल भी जाओ ना तो भी आप 10 से 15 मिनट में पहुंच जाओगे और बाय व्हीकल तो 5 मिनट भी ज्यादा ही है कि 5 मिनट मान लेते हैं। गोल्फ कोर्स रोड 5 मिनट। ये है हमारा NH8, ये है SPR गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, ये हमारी गोल्फ कोर्स। जब हम गोल्फ कोर्स रोड से आते हैं यहां तक हमारी मेट्रो स्टेशन, यह हमारा मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 55-56 का, यहाँ डेड एंड पे है राइट, या राइट लेते ही हम लोग हो गए लेफ्ट, यहां पर कमर्शियल है, कमर्शियल के जस्ट बैक साइड पर ये माहिरा का प्रोजेक्ट है। दोस्तों, लोकेशन ऐसी दोबारा जिंदगी में कभी आ ही नहीं सकती, ये गारंटी मेरी है। इतना बढ़िया प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट ना अभी तक ना ऐसी लोकेशन पे नहीं आया, 60 मीटर के ऊपर अंदर, साथ में 24 मीटर रोड जा रही है, साथ में कमर्शियल है, हर एंगल से इस प्रोजेक्ट का कोई तोड़ ही नहीं है।
ये हमारी है 60 मीटर रोड और ये है 24 मीटर। आइए अब हम देखते हैं इसका साइड प्लान। ये देखिए, ये जो 24 मीटर रोड है इसके इस साइड पर जो टावर्स है, टावर वन और टावर टू, ये आपका है मेरे ख्याल से टेनिस कोर्ट या फिर बैडमिंटन कोर्ट है। ये कुछ पार्किंग दी हुई है। ये 6 मीटर की इंटरनल रोड है। आप यहाँ देखें, ये है रैंप बेसमेंट पार्किंग के लिए, यह है रैंप इन और यह है रैंप आउट, यानी आपकी गाड़ियाँ बेसमेंट में यहाँ से जाएंगी और यहाँ से बाहर आएंगी। और ये है कमर्शियल एरिया, यानी कि घर के नीचे ही शॉप्स है। और ये है दूसरी साइड, अगेन ये इसमें है कमर्शियल एरिया, टावर थ्री और टावर फोर। आप यहां पर देख सकते हैं, ये अगेन इस पर रैंप दिया हुआ है बेसमेंट पार्किंग के लिए। ये बच्चों के खेलने के लिए एरिया आ गया। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से अच्छा, ये भी शायद ओपन पार्किंग के लिए कुछ जगह दी हुई है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से इससे बेटर चीज हो ही नहीं सकती। साथ में ये है लैंडस्केप ग्रीन एरिया और ये हमारा स्विमिंग पूल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें मिल गई बेसमेंट पार्किंग, हमें मिल गया पूल, मिल गया क्लब या फिर कम्युनिटी एरिया, मिल गया लैंडस्केप ग्रीन, मिल गया ओपन पार्किंग मिल गई। ये यहाँ देखिए, इधर भी ओपन पार्किंग है। ये अपना कुछ प्ले एरिया आ गया, टेनिस प्ले एरिया या फिर लॉन टेनिस या फिर बैडमिंटन। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो इससे बेहतर प्रोजेक्ट गुड़गांव में लग्जरी के अंदर अफोर्डेबल प्रोजेक्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। इससे बेटर चीज कोई भी नहीं है। जिसको लेना है वो इसको आंख बंद करके ले ले। ये मात्र 21 लाख से भी कम में आ रहा है 2BHK, 20,82,000, लेस देन 21 लाख। तो फ्रेंड्स, कर लीजिए परचेज, इसको आंख बंद करके परचेज कर लीजिए। आप मुझे कॉल कीजिए, स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया हुआ है, मैं आपको इसके अंदर बुकिंग लगवा दूंगा और कोशिश करूंगा कि ड्रॉ में आपका नंबर भी आ जाए। ये देखिए, ये रहे हमारे अपार्टमेंट्स और ये भी शॉप्स। तो इससे आपको एक आइडिया मिल रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। आप ऊपर घर पे रह रहे हैं, ये आपने किराए पे दिया हुआ है, आपका जो किराएदार है उसको जो सामान खरीदना है इमीडिएटली नीचे अवेलेबल है। आइए अब हम इसके देखते हैं लेआउट। ये लेआउट है 3BHK का, जो फिलहाल अब अवेलेबल नहीं है, सारे बिक चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अभी जो अवेलेबिलिटी है वो है 2BHK की। तो आइए 2BHK को स्टडी करते हैं। ये हमारी एंट्री आ गई, ये हमारा ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया, ये रही हमारी किचन, एक बेडरूम, साथ में अटैच बालकनी, मास्टर बेडरूम, अटैच बालकनी और अटैच वॉशरूम, और ये है कॉमन वॉशरूम, एक और बालकनी, यानी कि एक दो तीन, तीन बालकनी आ गई, दो बेडरूम आ गए, दो वॉशरूम आ गए, ड्राइंग डाइनिंग और किचन आ गया। दोस्तों, और क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल रहा है 21 लाख से भी कम में। इसका कारपेट एरिया है 508 स्क्वायर फीट और बालकनी एरिया 100 स्क्वायर फीट। तो हम कह सकते हैं इसका टोटल एरिया जो हमें मिल रहा है वो है 608 स्क्वायर फीट। लिविंग एरिया एक, डाइनिंग एक, बालकनी तीन, किचन एक, बेडरूम दो, टॉयलेट दो। अब ये इस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। इनके हिसाब को इसका अगर ब्रोशर चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये व्हाट्सएप या मेल कर दूंगा। और याद रखें दोस्त,
मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, मुझे कॉल करें। अब ये देखिए, इसका जो लाइसेंस आया है 128/2019, प्रोजेक्ट एरिया है 5 एकड़ का, लोकेशन है सेक्टर 63A, टोटल नंबर ऑफ फ्लैट 636, टोटल टावर 4, सेल प्राइस 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट एंड द एडिशनल कॉस्ट ऑफ 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट फॉर बालकनी, कंप्लीशन है 4 साल में, एमिनिटीज है 50% ओपन एरिया, लेफ्ट कम्युनिटी सेंटर, एडिक्वेट पार्क। दोस्तों ये जो एडिक्वेट पार्किंग है ना, ये माहिरा के अलावा और कोई बोल ही नहीं सकता, ऐसी चीज तो सिर्फ माहिरा ही दे सकता है और किसी में दम नहीं है देने का। 2BHK टाइप बी, 188 फ्लैट्स, 508 100, टोटल कॉस्ट 20,82,000 और बुकिंग अमाउंट है 1,05,000 रुपीज का। अभी आपने देना है 5% अमाउंट यानी 1,05,000 रुपीज। फिर जब आपको ये अलॉट हो जाएगा तो आपने देना है उसके 15 दिन के अंदर 20% ऑफ द अमाउंट, फिर 6 महीने के अंदर 12.5, फिर 12 महीने में 12.5, यानी हर 6-6 महीने की एक आपकी किस्त बनती रहेगी और आपकी इसमें टोटल पेमेंट चली जाएगी 3 साल। तो फ्रेंड्स, मैं आपके कॉल की वेट कर रहा हूं, मुझे कॉल करें, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, कॉल। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, गुड लक।